हम वायरिंग हम बताते हैं कैसे मैचिंग करते हैं इसकी तारों की, कलर टू कलर बता देता हूँ मैं। और जैसे ये इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन पर लाइट जल जाती है और ये ऑफ़ करोगे तो ऑफ़ हो जाएगी। ये मैंने ऑफ़ कर दिया और ये सप्लाई बंद, ये मैंने ऑन किया, ये सप्लाई चालू। तो ये तो होगी हमारी इग्निशन की तार। और जो जिनोक्सी सेंट्रोलॉक और ऑटोकॉक की वायरिंग सेम होती है, वायरिंग कपलर अलग होता है, वायरिंग सेम होती है। ये ऑरेंज वाली इग्निशन की है और रेड वाली वायर जो इसकी जो सेंट्रोलॉक की रेड वाली वायर है ये रिवर्स की है, और ये और जो ब्लू कलर की वायर है ये इंडिकेटर की है, और ये जो डोर स्विच की तार है इसमें दोनों तारें आती हैं, डोर स्विच की ग्रीन और ग्रे दोनों को इकट्ठे करके जोड़ के एक तार बनानी होती है। और बाहर बोनेट में ब्राउन कलर की तार होती है डोर स्विच की। अब ये मुझे इंडिकेटर की तार मिल गई है, ये चेक करके लगाया है मैंने इसमें टेस्टर, और इंडिकेटर मैंने देखो मीटर में भी ऑन कर रखा है तो ये चालू हो गया। 4x4 इंडिकेटर लगा के आप इसे चेक कर सकते हो। तो ऐसी रिवर्स की तार मिल गई हमारे को। डोर स्विच की तार कैसे चेक करें? डोर स्विच की तार ऐसे चेक करें, चारों दरवाजे पहले बंद कर लो या एक एक दरवाज़ा खोल के रखो, उसे लीवर को दबा के रखना बटन के डोर स्विच के, और उसके बाद मीटर में जो है ये ऐसे शो करेगा, जैसे आप अपने हाथ से दबाओगे तो इसे ऑन ऑफ ये ब्लिंक करेगा। अब ब्लिंक करने के बाद और इसको इसे दबा के रखना है, उसके बाद टेस्टर की सहायता से और तारों को टच करके चेक करना है टेस्टर से। जैसे ही आप टच करोगे वायर को वैसे ही इसके अंदर मीटर में ऐसे सिग्नल आ जाएगा टेस्टर से, उसका मतलब ये है कि डोर स्विच की तार है ये। तार चेक करने के लिए जैसे इस पर मैंने ब्लेड लगा रखा है और उसके बाद अब मीटर में शो कर रहा है, ये सिग्नल शो कर रहा है और सिग्नल शो कर रहा है। अभी मेरे हाथ में ब्लेड है और ये डोर स्विच है, डोर स्विच को मैंने इसको दबा कर रखा तो लाइट चली गई, देखो मीटर में लाइट गई और मैंने ये दबा रखा है। इसके बाद जो है मैं अपने एक हाथ से चेक करके दिखाता हूँ। ये ब्लेड भी मैंने लगाया था, यहाँ पर शो कर दिया है, हटाया शो करा, इसका मतलब ये है डोर स्विच की तार है। तैयार कर देंगे मोटर लगा के, ये मोटर है और इसकी जो वायरिंग है इसकी वायरिंग के साथ में हम तारे जोड़ के इसको चालू कर देंगे मैनुअल। जो ड्राइवर साइड की मैनुअल ख़राब हो गई थी तो मोटर लगा रहे हैं इसके अंदर हम, और इसमें हम माइनस की तारें चेक करेंगे। उसके बाद जो मैंने माइनस बनाई है ना, उसके बाद जो हमारी सेंट्रोलॉक की तार है उसको हम इसके भाई ये लॉक लगा दिया है सेंट्रोलॉक का। और ये गन लगाने का तरीका ये होता है, इस तरह से गन लगेगी, रिमोट करना भैया कर, रिमोट से लॉक अनलॉक करना। तो ये ऐसा तो करने लगा है लॉक अनलॉक।